देखो, लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था, लास्ट क्लास जो अपन ने पढ़ी है उनमें, सोप और फॉग सर्किट के बारे में बताया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोप सर्किट में इक्वेशन कैसी होती है, बी सी बार जो होती है प्रोडक्ट के फॉर्म में होती है, देर से क्या होता है सम होता है, बी सी बार प्लस सी ए बार, किस फॉर्मेट में इक्वेशन होती है सोप सर्किट। पॉज सर्किट में इक्वेशन कैसी होती है, पीओएस सर्किट या पॉज सर्किट, इसमें पहले होता है सबमिशन ये सम, और फिर होता है मल्टीप्लीकेशन। पहले होता है सम, देन होता है मल्टीप्लाई, इस तरह की होती है हमारी सोप एंड पॉज इक्वेशन। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैंडर्ड सोप एंड पॉज इक्वेशन कैसी होती है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पॉज इक्वेशन कैसी होती है, जिसमें तीनों टर्म्स हो, ए प्लस बी, मतलब अगर उसमें जो इनपुट है, अगर एक में तीन इनपुट है तो सब में तीन ही इनपुट होंगे, या एक में दो इनपुट है तो सब में क्या होंगे, दो ही इनपुट होंगे। बार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनपुट तीनों होना चाहिए। ठीक है, जितने भी इनपुट हैं, अगर दो इनपुट होंगे तो सारी जितने भी टर्म्स होंगी सब में क्या होंगे, दो ही इनपुट होंगे। ये क्या कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड पॉज इक्वेशन। सिमिलरली स्टैंडर्ड सोप इक्वेशन कैसी होती है, ए बार बी सी है अगर, प्लस ए बार बी बार सी है, तो क्या होगा, तीनों टर्म में टर्म्स क्या होंगी, हर लेटरल में होंगी, हर लेटरल में क्या होंगी, तीनों टर्म होंगी। ये क्या है अपनी स्टैंडर्ड सोप इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा सोप में देखो, सर्किट आपने देखा होगा सर्किट कैसे बनता है। पहले आता है एंड गेट, फिर आता है ऑर गेट। कोई भी क्वेश्चन होंगे, पहले आएगा एंड गेट, फिर आएगा ऑर गेट। सिमिलरली पॉज में क्या होता है, पॉज में पहले आता है ऑर गेट, फिर आता है एंड गेट, ये होता है हमारा पॉस। ठीक है, सोप में क्या होता है, पहले आता है एंड गेट, फिर आता है और गेट। पॉस में क्या होता है, पहले आता है और गेट, फिर आता है एंड गेट, ये हमारी सोप में क्या होता है, पहले आता है एंड गेट, फिर आता है और गेट। पॉस में क्या होता है, पहले आता है और गेट, फिर होता है आता है एंड गेट। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है और ये आपको पता होना चाहिए, जो बहुत कॉमनली यूज होता है। इसके बाद मैंने बताया था मीन टर्म और मैक्स टर्म, बताया था कि मीन टर्म होता है, मीन टर्म होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मीन टर्म होता है।
जो शॉर्ट सर्किट होता वो क्या यूज करता है? मीन टर्म, मतलब स्मॉल एम यूज करता है अपने लेटरल्स को दिखाने के लिए। जो भी कोई वैल्यू है सोप की, अगर ए बी सी बार प्लस ए बी सी, तो जो ये वैल्यूज कहलाती हैं सोप में वो क्या कहलाती हैं? मीन टर्म कहलाती है। इंडिविजुअली सब क्या कहलाती हैं? मीन टर्म कहलाती, स्मॉल एम से ने दिखा। कॉस में ये क्या कहलाती है? जब आपका एक क्लियर हो गया ना तो बहुत अच्छा है, ये कहलाती है मैक्स टर्म, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये कहलाती है कॉस की केस में, ये कहलाती है मैक्स टर्म। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है, ये कहलाती है कॉस की केस में मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। इसे शो करते हैं कैपिटल एम, मीन टर्म को स्मॉल एम से, मैक्स टर्म को कैपिटल एम। अगर इसको आपको ट्रुथ टेबल पे दिखाना है तो ये वैल्यू क्या है? 110, बार वाला क्या होता है? जीरो, 110, ये क्या हो जाएगी? ए बी सी, मतलब तीनों वन है, तीनों वन, मतलब इसके करस्पोंडिंग क्या होगा? आउटपुट होगा वन, इसके करस्पोंडिंग भी आउटपुट क्या होगा? वन। इसके अलावा भी जितनी वैल्यूज भी रहेंगी वो क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी, और वैल्यू होगी इसके ऊपर क्या हो जाएगी? 101 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? जीरो। तो इतनी ट्रुथ टेबल की इन दोनों वैल्यूज के अलावा वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएंगी? ये दोनों क्या हो जाएंगी? वन, बाकी सब क्या हो जाएंगी? जीरो। तो ये क्या कहलाएंगी? नेक्स्ट, ये क्या है? मीन टर्म, क्या है? मीन टर्म। तो इसका जस्ट उल्टा चलता है, जिसमें पॉज सर्किट, पॉज सर्किट में जिसपे बार नहीं होता उसे हम कह लेते हैं जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो जीरो, यही बकर बार का है, बार मान लो इसपे, तो ये जीरो जीरो हो जाएगा वन, जीरो जीरो कितना हो जाएगा? वन, ये कितना हो जाएगा? तीनों बगर, तीनों अगर बगर बार के हैं तो इसके बाद दो तो बॉल लगा लो, तो ये हो जाएगा जीरो वन वन। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगी वैल्यू? जीरो होगी, ये क्या होगी? नेक्स्ट टर्म। इसके अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी ट्रुथ टेबल की वो क्या होंगी? पॉज के केस में वन होंगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? आपकी होंगी वन हो जाएंगी। तो भाई ये दो बातें समझने की हैं, इम्पोर्टेंट है, आगे यूज होती है ये, कि पॉज के केस में, सोप के केस में मीन टर्म होती है, मीन टर्म हम वन वन जो आउटपुट होता है ट्रुथ टेबल का वो लेते हैं, और इसमें जो नॉर्मल टर्म होती है उसे कह लेते हैं वन, और जिसके बाहर होता है उसे कह लेते हैं जीरो। ठीक है, पॉज के केस में क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा होता है, यहाँ पर नॉर्मल टर्म को हम जीरो लेते हैं, बार वाली टर्म को वन लेते हैं। इसमें एंट्रीज कौन सी लेते हैं ट्रुथ टेबल की? जीरो वाली एंट्री को इसमें कंसिडर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। दो मेथड इसकी यूज होते हैं,
है एल्जेब्रिक सिंपलीफिकेशन, एल्जेब्रिक सिंपलीफिकेशन, एल्जेब्रिक सिंपलीफिकेशन, और दूसरा सिंपलीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग यूजिंग के मैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है के मैप इलेक्ट्रॉनिक्स का, इससे सीधा तुम्हारा एग्जाम में 6-7 नंबर में क्वेश्चन आता है सीधे सीधा। तो ये तुम्हारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग के मैप, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या थी जो हमने सबसे पहले यूज करी थी, कि कुछ भी अगर कुछ एक्सप्रेशन होती थी हम उन्हें सॉल्व करते थे और सर्किट को ड्रॉ करते थे, वो कहती है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन है ए बी ए प्लस बी ए बार बी बार। अगर मैं कहूँ आप इसको सर्किट बनाओ तो आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। इसके लिए क्या लगेगा, देखो एंड गेट लगेगा ए बी होने के लिए, ए बी एंड गेट लगेगा। इसके लिए क्या लगेगा, प्लस करने के लिए और गेट लगेगा, ठीक है। इसको प्लस करने के लिए भी क्या लगेगा, और गेट लगेगा। फिर ये दोनों किसमें हैं, मल्टीप्लाई में है, तो एक क्या लगेगा यहाँ पर एंड गेट लगेगा। और फिर ये दोनों टर्म किसमें हैं, सबमिशन में है, तो यहाँ क्या लगेगा एक और गेट लगेगा। मतलब कैसे बनेगा ये, चाहो तो बना सकते हो। पहले ए बी, ए बी ले लोगे एंड गेट, फिर अपने इनपुट है दो, उसके लिए क्या ले लोगे और गेट ले लोगे, ए प्लस बी। दूसरा भी क्या है, एक और गेट है, एक और गेट लगा लोगे ए प्लस बी। ये क्या है, यहाँ बार, तो आप चाहो तो यहाँ से ए का इनपुट ले लो और यहाँ लगा लो एक नॉट गेट, कैसे भी लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे लगा लो। दूसरा है बी, तो बी को डायरेक्ट ले सकते हो यहीं, अब क्या होना है, इन दोनों का क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर एक लगेगा एंड गेट, ये हो गया एंड गेट। फिर क्या होना है, इन दोनों का इक्वेशन का, इसका और इस इक्वेशन का सम होना है, यहाँ हो जाएगा एक और गेट। ये हो गया और गेट, सही बना लेंगे, और ये और हर्ष गुर्जर, समझ में आई तुम्हें ये बात, हर्ष गुर्जर कराची, समझ में आया तुम्हें कराची, ये समझ में आया सर्किट कैसे बना लिया, पक्का। और कौन है विवर, विवर तुम्हें समझ में आया सर्किट कैसे बना दिया, विवर है ना, तो ये सर्किट तुम्हें इतना बनाना आना चाहिए, बना के देखो 2-4 बार तो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आ जाता, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सर्किट को इसको बना सकते हैं, और इसको सॉल्व करके एक्चुअली सॉल्व करना रहता है इक्वेशन को,
ये इक्वेशन है ए बी, ए प्लस बी ए बार प्लस बी, ये इक्वेशन, इसे मुझे सॉल्व करना। तो ए बी को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ लिखा रहने दिया। ए को अंडर मल्टीप्लाई कर लिया, ए ए बार, ए बार प्लस ए बी ठीक है, प्लस बी ए बार प्लस बी बी ठीक है। तो ए बार क्या होता है हमारा, ए बार क्या होता है हमारा, ए बार होता है हमारा 0, तो बी बार क्या हो जाएगा, बी बी बचेगा आपसे ठीक। अब क्या आएगा, ए बी ए बार कितना हो जाएगा अपना 0, और बी बी बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0, ये कितना बचेगा, बी ही बचेगा। अब ए बी है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए ही होता है तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ए बी प्लस बी ए बार प्लस बचेगा बस ये दो, 5 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा अपना, इतना बचेगा। अब देखो इसमें से भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस ए बार, ये कितना होता है, ए प्लस ए बार, अब आ रहा है दोनों खाली घूमते पर। अब ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो आखिर में क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा बी, तो वाई इक्वल टू क्या बचेगा आखिरी में, बी बचेगा। मतलब जो सिर्फ एक इनपुट हम बी इनपुट ले लें एक सर्किट पर, तो ये हमारे लिए सफिशियंट हो जाएगा इस पूरे सर्किट की जगह। मतलब आपने सर्किट को जगह क्या ले लेंगे, हम सिर्फ बी इनपुट, ये हमारे लिए सफिशियंट हो जाएगा। देखो क्या है, एक्चुअली हम ये इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या होता है, सर्किट छोटे होते जाते। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक मिनट, अगर मैं दिखाऊं, स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, देखो ये क्या है तुम्हारी एंड गेट की आईसी, एंड गेट की आईसी कैसी होती है, ऐसी होती है ये एंड गेट की आईसी, इसकी बड़ी मार्केट में मिलती है ये एंड गेट की, क्या है अपनी आईसी, तो देखो इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है ना, आईसी क्या है तुम्हारा एंड गेट की आईसी। अब ये क्या है तुम्हारी आईसी, दरअसल ये क्या है, अब ये अपन ने एंड करा, यहाँ पर जो हुआ है ये क्या है, एंड गेट लगाया, ये एंड गेट, तो ये एंड गेट एक फिजिकल डिवाइस, ये फिजिकल चीज है, अगर अपन इसको सर्किट पे लगाते हैं, कोई सर्किट बन रहा है इस तरह, ये यही वाला सर्किट सपोज करो, इसमें एक एंड गेट लगा है, दो और गेट लगे हैं, जैसे एंड गेट की आईसी है वैसे और गेट की भी आईसी, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल, जैसे और गेट की भी आईसी, तो इतनी आईसी लगी है,
ये, हाँ ये इस तरह का बना हुआ था सर्किट। तो एक बोर्ड पे अगर अपन बनाएंगे, ब्रेड बोर्ड पे जैसे बनाते हैं, तो अगर अपन इसे बनाएंगे तो इतना तुम्हारा बड़ा सर्किट ये बनेगा, इस इक्वेशन के लिए इतना बड़ा सर्किट बड़ा, और इसका आउटपुट आएगा, इनपुट है, तो इतना कुछ लगाना पड़ेगा सर। देखो ये इनपुट भी क्या है, ये फिजिकल डिवाइस होते हैं, ये भी क्या है, वायर है, ये वायर है, अगर अपन इसे बनाएंगे बोर्ड पे तो क्या है, ये पूरा वायर है। तो एक दो एंड गेट लगेंगे और तीन और गेट लगेंगे, जब जाके हमारा एक आउटपुट आएगा। लेकिन जब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आखिरी में जो टर्म बचती, सिर्फ इससे भी क्या है, ये पूरा सर्किट का आउटपुट हासिल हमें हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ बी इनपुट लगा के भी हमें आउटपुट वही मिलेगा जो इस पूरे सर्किट से मिलेगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने से फायदा यही है कि क्या है, बड़े बड़े जो सर्किट हैं उन्हें क्या होता है, बाय यूजिंग दीज इक्वेशन क्या करा जाता है, छोटा करा जाता है, इक्वेशन को बड़ा, सर्किट्स को मिनिमाइज करने के लिए इक्वेशंस क्या है बेसिकली यूज हो रही है। जो आप ये करते हो, कुछ भी आप अगर सॉल्व कर रहे हो, उस तरह का सर्किट है, बी ये है, बी बार ये सपोज करो, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे जो आखिरी इक्वेशन बचेगी वो क्या है, इस इक्वेशन का रिजल्टेंट है। आखिरी में जो आप जो वैल्यू बचेगी वो लगा के भी आप क्या है, वही आउटपुट मिलेगा ट्रुथ टेबल पे, जो ये लगा के मिलेगा। आपने पिछले सॉल्व करके भी दिखाया था कि अपन क्या है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो भी वही आउटपुट आता है, और जब इस इक्वेशन का लिखते हैं ट्रुथ टेबल तो भी वही आउटपुट आता है। ट्रुथ टेबल लिखोगे इसमें क्या आएगा, तो क्या है, आपके फिजिकल डिवाइसेस को कम करना सर्किट पर बाय यूजिंग एलजेब्रिक इक्वेशंस, ये अपन ने अभी तक इससे सीखा है। मेन बात ये है, जैसा एंड गेट की मैंने आईसी दिखाई, तो अगर अपन सर्किट बनाएंगे तो उसपे क्या है, वो आईसी कम होती जाएगी, तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो सर्किट छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, क्योंकि आईसी की कुछ कीमत है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की मार्केट में मिलती है। तो अगर एक सर्किट पे बहुत सारी आईसी लगी है तो बाई यूजिंग एलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, कि वो आईसी कम होती है। तो हमारा एलजेब्रिक इक्वेशन जो हमने यूज किया था अभी, एलजेब्रिक इक्वेशन जो हमने यूज किया था, उसका फायदा ही ये था, एलजेब्रिक इक्वेशंस का, एलजेब्रिक इक्वेशंस का फायदा ही ये था। ठीक है, एलजेब्रिक इक्वेशन का फायदा ही ये था कि हमने क्या करना करा था, सर्किट को छोटा किया था। सर्किट को छोटा करने से क्या हो गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो किसी एक बोर्ड पे लगते हैं या किसी सर्किट को बनाने के लिए, जो एक जैसे तो पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी पे हम सर्किट बनाते हैं, या हम ब्रेड बोर्ड पे बना के देखते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कम होते जाते हैं। तो यही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेज है, जो आज भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलता जा रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एक ही बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को इंटीग्रेटेड करते जाना, ये तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक ही बोर्ड पर लगाते जाना, यही तुम्हारा क्या है। और ज्यादा से ज्यादा मैं तुम मोबाइल का एग्जांपल दिया था, मोबाइल अपन चलाते हैं उसमें कितनी चीजें इंटीग्रेटेड हैं, आप उस बात को देखो, कितनी चीजें आपके मोबाइल में लगी हुई है, एक ही चीज में, आपका कैमरा मॉड्यूल है, आपका ऑडियो स्पीकर है, आपका एम्बिएंट लाइट लाइट सेंसर है, कि आप मोबाइल ज्यादा अंधेरा होता है तो ब्राइट स्क्रीन ब्राइट करने लगती है, अपने आप को खुद से एडजस्ट करता है, मोशन सेंसर है, इसके अलावा डायरेक्शन के लिए सेंसर लगे हैं, इसके अलावा कितने सेंसर है, इसके अलावा आप कान पे लगाते हो तो लाइट, उसका जिस डिस्प्ले है वो बंद हो जाता है, आप हटाते हो तो डिस्प्ले चालू हो जाता है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस रिकग्नाइज करने के लिए सेंसर है, कितने सेंसर लगे, तो ये सब सेंसर है, फिजिकल डिवाइस है, ये एक सर्किट पर इसे क्या किया गया है, इनबिल्ट किया गया है, ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक सर्किट पे इतना कुछ इनबिल्ट किया गया है, और किसके थ्रू ये कनेक्टेड है, थ्रू प्रोसेसर, ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड, इसके अलावा रैम है, रोम है, रोम क्या है, सेकेंडरी स्पेस है, इसके सब चीज जाके स्टोर होती है, रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें पहले चीजें आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, कितना कुछ लगा है
एक मोबाइल पर, जिसकी वजह से थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक ही सर्किट पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंटीग्रेट करना है। यही अपन ने अलजेब्रिक इक्वेशन में जो अभी तक तो पढ़ा था वो यही था। आपको इसलिए समझ में आना चाहिए ये बात, कि अभी तक तो वही था कि हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कम कर रहे थे सर्किट पर। ठीक है, अब इसके आगे हम सेकेंड चीज पढ़ेंगे। देखो प्रॉब्लम एक्चुअली एलजेब्रिक इक्वेशन में एक प्रॉब्लम था जिसको रिसॉल्व किया गया बाय यूजिंग के मैप। अब के मैप में ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। देखो एलजेब्रिक इक्वेशन में प्रॉब्लम, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम लगते थे। अभी अगर मैं बहुत बड़ा ज्यादा लगा दूंगा ए बी सी डी तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसके लिए नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत सारे हो, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है इस तरह की इक्वेशन। दूसरी बात ये है कि हर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग, मैं सॉल्व करूंगा किसी इक्वेशन को अलग तरीके से करूंगा, आप करोगे अलग तरीके से करोगे। एक डेफिनेट आउटपुट नहीं है कि यही डेफिनेट आउटपुट आएगा, हो सकता है कोई इंसान इक्वेशन को सॉल्व करे और कहीं पर छोड़ दे, कोई दूसरी जगह पर छोड़े। तो ये क्या है, एक तो डिफिकल्ट काम है इसे सॉल्व करना और इसका रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं रहता है अलजेब्रिक इक्वेशन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, इसके कम ही हम कर सकते हैं। अगर ए बी से तीन के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम चार के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा पांच एलिमेंट होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे कितनी सारी टर्म्स आ जाएंगे, पांच पांच ही अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में से बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स, इसको सॉल्व किया गया बाय यूजिंग के मैप। अब के मैप क्या है, 6 बिट तक के लिए बनाया जा सकता है, 6 टर्म्स तक के लिए के मैप को बनाया जा सकता है। के मैप क्या कहलाता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, बुलियन एक्सप्रेशन। इसके अलावा क्या है, जो उसको सिस्टम में सिमुलेट करना आसान है, कंप्यूटर में कहीं डालना इसको, लगाना इसको आसान है। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा आमतौर पे यूज होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से ये टॉपिक है तुम्हारा के मैथ। तो इसलिए अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, सो पॉज, तुम एक बार फिर से अच्छे से आप लोग देख लो, देन अपन के मैथ पे अगर पढ़ेंगे तो के मैथ ही पढ़ेंगे। ठीक है सार्थक, सकते हैं ना सार्थक, मुस्कान उदासी, ठीक है मुस्कान उदासी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया कुछ अभी तक, जो नहीं आया पूछ सकते हैं। लॉजिक गेट थी, हाँ ये मान लो लॉजिक गेट थी, अभी लॉजिक